सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फेज टू स्टार्ट होने वाला है। 21 सितंबर से हमारा फेज टू स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हमारा फेज वन चल रहा था। फेज टू में हमें बच्चों को मोबाइल से काम देना है, इसके साथ साथ बच्चों को बताना है कि दूरदर्शन पर प्रोग्राम आते हैं 4 घंटे, आप उन्हें देखिए, और इसके साथ साथ आप रेडियो पर भी प्रोग्राम आते हैं उनके बारे में बच्चों को बताएंगे। आपको गूगल मीट का उपयोग करना है और इसके साथ साथ दीक्षा ऐप का उपयोग करना है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप दीक्षा ऐप का उपयोग करके बच्चों को काम दे सकते हैं। इसके लिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। कल 9 बजे से पहले पहले मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा कि आप गूगल मीट का या दीक्षा ऐप का किस तरह से प्रयोग करके बच्चों को काम देंगे, किस तरह से लिंक बच्चों को शेयर करेंगे ताकि वे काम कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के लिए जो प्रथम सप्ताह की योजना जारी की गई है उसके बारे में जानेंगे कि प्रथम सप्ताह में हमें कक्षा 5 में क्या क्या कार्य देना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कक्षा 5 के लिए फेज 2 में प्रथम सप्ताह की कार्य योजना क्या जारी की गई है। तो कक्षा 5 में मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की कार्य योजना के अंतर्गत सबसे पहले सोमवार को आपको हिंदी और गणित का कार्य देना है। हिंदी में आपको विमल इंदु की विशाल किरणें पाठ पढ़ाना है। पढ़ाने से मतलब आप बच्चों से कहेंगे कि बच्चों को व्हाट्सएप से लिख देंगे, बच्चों आप विमल इंदु की विशाल किरणों का अध्ययन करें। इसके साथ साथ मैं आपके मोबाइल में एक लिंक भेज रहा हूँ जिसमें इस पाठ से संबंधित आपको वीडियो होगी, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके लिए आपको उनके अभिभावक, हालांकि ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन 30 बच्चों की अगर हमारी क्लास है तो उसमें 5 अभिभावक ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 30 के पास में मोबाइल नहीं है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 5 के पास है, हमें 5 को काम देना है, हमें अपना काम करना है। जैसा कि शासन ने निर्देश दिया है कि आपको इस तरह से काम करना है तो हम इसी तरह से काम करेंगे। शासन को भी पता है कि बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिनके पास है हम उनको काम देंगे। तो इसलिए आप उनको ये लिंक साझा कर दीजिए। ये लिंक कैसे साझा होंगे इसके लिए मैं कल 9 बजे एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लिंक साझा किया जाता है। तो आपको ये लिंक साझा करने हैं। उसके साथ साथ गणित में गुणा करने के तरीके का अध्ययन करेंगे, यानी कि बच्चों को गुणा करने के तरीके का अध्ययन कराएंगे, उन्हें बताएंगे और उनको एक वीडियो साझा करेंगे जिसका लिंक इसमें दिया हुआ है, और बच्चों को बताएंगे कि अगर आपको कोई कठिनाई होती है समझने में तो आप मुझसे बताइए, मुझसे संपर्क कीजिए, मैं स्कूल में बैठा हुआ हूँ, मुझसे संपर्क कीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए उनके अभिभावकों को समझाइए कि मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को बच्चे को दिखाइए। इसके लिए अभिभावक को जागरूक होना पड़ेगा। तो जो काम आपने सोमवार को दिया वही काम आपको मंगलवार को दोबारा रिपीट करना है, यानी कि हिंदी और गणित का काम आपको रिपीट करना है। अब बात आती है बुधवार की। बुधवार को आपको अंग्रेजी और ईवीएस में काम देना है। अंग्रेजी में क्या काम देना है, आपको डोंट गिव अप एक पाठ है रेनबो का, वो पाठ आप कहेंगे बच्चों आप इस पाठ को पढ़िए, डोंट गिव अप। और इस पाठ से संबंधित मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक से की मदद से आप वीडियो को देखिए, वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें 2 लिंक दिए हुए हैं, ये लिंक आपको बुधवार को साझा करने हैं। अगर बच्चों को कोई कठिनाई आती है तो आप उनकी मदद करें। उसके साथ साथ ईवीएस में परिवार आज और कल ये पाठ का अध्ययन करना है बच्चों को। आप व्हाट्सएप में लिख दीजिए कि बच्चों आपको आज ये पाठ पढ़ना है और इस पाठ से संबंधित वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ को समझ लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है मैं आपको बता दूंगा। ये हमारा बुधवार का कार्य हुआ। बुधवार के बाद जो काम आपने बुधवार को दिया वही कार्य आपको बृहस्पतिवार को रिपीट करना है। उसके बाद बात आती है शुक्रवार की।
शुक्रवार को आपको हिंदी में और गणित में दोबारा से कार्य देना है। हिंदी में आपको पंच परमेश्वर पाठ का अध्ययन करने के लिए कहना है बच्चों को कि आप पंच परमेश्वर पाठ का अध्ययन कीजिए, और मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप इस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को देखें। इस वीडियो से आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा और आप लिंक को शेयर कर दीजिए। लिंक को शेयर करने की विधि मैं आपको कल को बता दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरह से लिंक शेयर किया जाता है। इसके साथ साथ आपको गणित में गुणा संबंधी पहेलियों का अध्ययन करेंगे, यानी कि गुणा संबंधी पहेलियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अभिभावक बच्चों को जो है सबसे पहले अभिभावक बच्चों को अपने साथ साझा किए गए लिंक के माध्यम से पाठ संबंधी वीडियो दिखाएंगे। यानी आप अभिभावकों को फोन करके कह दीजिए कि मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, आप बच्चों को ये वीडियो दिखा दीजिए। कोई पांच, कम से कम पांच अभिभावक ऐसे चाट लीजिए जो जागरूक हों, अपने बच्चे को मोबाइल पर प्रयोग करा सकते हों। अगर आपको नहीं मिलते तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 30 में से 5 तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिससे कि हमारा काम पूरा हो जाए। कोई हम पर उंगली ना उठाए कि हमने काम नहीं दिया। तो ये लिंक दिए हुए हैं, ये लिंक आपको शेयर करने हैं। जो काम आपको शुक्रवार को करना है वही काम आपको शनिवार को रिपीट करना है। इस तरह से हम कक्षा पूरे सप्ताह में बच्चों को ये कार्य देना है जो मैंने आपको बताया, और कार्य किस तरह से देना है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मैं कल सुबह ही उस वीडियो को बना दूंगा, आपको 9 बजे तक वो वीडियो मिल जाएगी। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो, शिक्षण योजना से संबंधित वीडियो, दीक्षा या मानव संपदा से संबंधित वीडियो, अगर आप चाहते हैं आपको ऑनलाइन मिले, तो इसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।